आज ना सुबह सुबह शुरुआत हुई भाई आए मिलने के लिए। भाई ने उठाया, कल भी एक भाई आए थे तो उन्होंने उठाया। मतलब ऐसा नहीं कि भाई ने डिस्टर्ब किया, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30, तो मैं आराम से उठता हूँ। और भाई बढ़िया बढ़िया। और भाई ने यहीं खाली करनी है सरहंद में गाड़ी, तो बस अब मेरा सुबह का रूटीन भाभी उनको बाहर निकालना है। जब तक आते नहीं भाई, आज शायद आज या कल तक भाई आ जाएंगे, फिर ले जाएंगे अपनी अपनी गाड़ियाँ, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट सारा काम होगा। इसमें टेपिंग वगैरह करनी है, फिर निकलेगी गाड़ी। कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। भाई आए थे सुबह, फिर मैं उठ गया, अभी मैंने मुँह धोया, तो पहले मैं गाड़ियाँ बाहर निकाल लेते हैं। बस आज ही निकालनी, शायद कल तक वो आ जाएंगे भाई। बड़े की गाड़ी निकालते हैं, फिर वो भी निकालते हैं। दोस्तों जब दोनों गाड़ियाँ निकालनी पड़ती हैं, उसमें चलते चाय वगैरह पीने के लिए। तो आज शायद अपनी गाड़ी वहाँ पर लग जाए शाम तक, वो 12 चक में निकले अपने लगे पत्ते अपनी गाड़ी। कल आपने देखा आगे, आज शायद अपनी गाड़ी के एंगल भी आ जाएंगे। इसके पता नहीं सीटें बनी है या नहीं बनी है, ये तो पावर वगैरह रखने के लिए बन गया एक्सीलेटर, उसके लिए उसका ढक्कन भी बन गया। बस सीटें वगैरह बनानी रह गई हैं इसकी, बाकी तो अंदर से थोड़ा लाइट इलेक्ट्रिशियन का काम है, स्पीकर फिट होने बढ़िया। बाकी यार खड़ी यहाँ पे, अब दूसरी निकालते हैं। है 14 चक्की चेसिस को मैं रोज चला रहा हूँ यार, पर है ये भी मज़ा है इसमें भी। चल भाई, इसको मैं फिक्स करके लगाया था रात को, क्योंकि पीछे गेट बंद नहीं होता ना। ये भाई आए ना, भाई की गाड़ी निकले। आज अगर सुबह सुबह बात करें वर्कशॉप की, तो इसका भाई कल चादरें नहीं लग पाई थी, उसे ऊपर चढ़ाई थी, फिर कुछ और काम कर रहे होंगे ना, आज इसमें चाहिए चादरें लग जाएंगी। तो वो 14 चक्का को कैबिन में लकड़ लगने शुरू हो गई है। यहाँ लकड़ वगैरह काट के आ गए, जो भाई नाप ले रहे हैं भाई अपने हिसाब से उसको वो कर रहे हैं, कोई पतली मोटी सब बराबर करनी पड़ती है ना, वो देखो चीर के वो कर रहे काम। अभी लग रही है इस पर, ये जो FTC वाली है ना 16 चक्का, इसके एंगल भी आ गए छोटे एंगल, सारे ऑलमोस्ट एंगल बन ही गए। आज इसके एंगल भी शायद खड़े हो जाएंगे और इस पर लक्कड़ लगना शुरू हो गई है। उसके बाद फिर इसके बाद ये भी ऑलमोस्ट, अब यहाँ अंदर इसका सारा था खुली पड़ी है। इसके बाद अपनी गाड़ी का सही काम शुरू होगा, पर अपनी गाड़ी इसके पीछे आ जाएगी वहाँ पर। उसके बाद ये अब निकलेगी, फिर आगे हो जाएगी या वहीं खड़े होकर काम होगा, पर है कि वो निकलेगी तो फिर अपने बत्ते वगैरह आ जाएंगे, क्योंकि बत्ते अपने आ गए ना कल, आपने देखा था। पत्तों को आज डाल देंगे सूखने के लिए, थोड़ा सूख ही रहे हैं यार, बढ़िया है। देखो साफ है लकड़, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। हम आए थे आज फिर से हम सीटें वगैरह देखने के लिए। अब हमें जो चाहिए वो एयर सस्पेंशन वाली, या फिर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक वाली। इलेक्ट्रिक वाली महंगी थी। यहाँ पे हम आए थे ट्रक की मार्केट, यहाँ पे ट्रकों का सारा कबाड़, सारे स्पेयर पार्ट मिलते हैं, हर चीज़ मिलती है। है साथ ही है ना पुरानी गाड़ी में, यहाँ पे कुछ भी चाहिए रिम वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। सरहंद में ही हम पास पास घूम रहे हैं। दी भाई कल हम आए थे ये सीट देखने के लिए, कल हमने देखी थी ये स्कोडा की। यार इधर बहुत ही जगह नहीं है, आज कर दी राहुल भाई आए थे और राहुल भाई ने कर दी फाइनल। ये ली अनमोल भाई ने, मैंने नहीं ली, हम दोनों का ही दिल था। हम एक और ऑडी के वो देखेंगे, पर ये अनमोल भाई का मन था, अभी ये अनमोल भाई के लिए हमने ले ली। वैसे खोलेगी निकालनी है बाहर, वो भी ब्लॉग शूट कर रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, मुझे समझ नहीं आ रही एक चीज़ यार, इतनी नई गाड़ियाँ कबाड़ क्यों होती है यार, दिल में लगती है। हाँ राहुल भैया एक चीज़ समझ नहीं आ रही ऑन कैमरा, इतनी नई गाड़ियाँ कबाड़ क्यों होती हैं? अंदर यार इसमें सनरूफ भी है, इधर आप बताओ क्यों होती है, क्यों होती है सर? आओ ना इधर, नहीं सर यहाँ गैप कम है थोड़ा, बाद में तब देखो इधर देखो। हाँ वो तो बैंड, पर ज्यादा स्कोडा ही हो रही है यार, मतलब मैं स्कोडा की बेइज्जती नहीं करना चाह रहा, पर हर गैराज में दो दो खड़ी है। हाँ पर एक चीज है यार, वो ऑडी खड़ी है, वो दिल में लगी हमारी यार, ऑडी कबाड़ में हम सीट पूरा जुगाड़ करके बाद बताएं कितने का की। ठीक है फिर मिलते हैं शाम को। 8,000 की, 8 की सर, 8,000 पहले हमने इसको 5 बताया था, कल से हम 5-5 बोल रहे हैं। तुमने बढ़ा दिया, वो मैं गया ना। ठीक है फिर अभी चलता हूँ वर्कशॉप पे। हाँ भी पहुँच गए भाई KS ट्रक बॉडी, चलो आ गई भाई सीट यार, एक भाई की कोई टेंशन नहीं। अब मेरे को लानी है, अब मैं देखता हूँ कौन सी लाऊँ यार, ये तो इलेक्ट्रिक वाली है ना, या इलेक्ट्रिक वाली या सस्पेंशन वाली। अब मैं सोच रहा हूँ दूसरी सीट क्या लगाऊँ, अगर दूसरी सीट लगानी पड़ेगी उससे अच्छा कि अपनी सीट ही फिर गाड़ी की सही है। मैं सोच रहा हूँ या तो मैं लगा दूँ सस्पेंशन वाली जो टाटा अल्ट्रा घोड़े में आती है, तो या तो हम लगा दें फिर दूसरी क्या बोलते हैं ये इलेक्ट्रिक वाली, उसमें सारे फीचर काम करेंगे, मैं बताऊँगा आपको पूरा। आजकल तक वो ट्रक में फिट हो जाएगी अनमोल बाइक के। बाकी अभी दिन का खाना खा के सब कर रहे हैं रेस्ट, बारिश का पूरा मौसम बन गया, शायद बारिश ही जाएगी शाम तक। और है ना आज इतना काम नहीं हुआ, आज ज़्यादा मिस्त्री जी नहीं आए, एक मिस्त्री उनके भाई की शादी है
तो थोड़ा काम रुका पड़ा है यार। मेरी पैंट भी कल सूखी नहीं थी, आज सूखी, उसको अंदर रखना है ना, बारिश में पूरी वापस भीग जाए। बस है कि आज कल 14 तारीख है, तो कल आ जाएंगे जो जिनकी ये गाड़ी है, तो फिर ये गाड़ी निकले, मेरी गाड़ी जाएगी आगे। चलिए जब से आई यहीं खड़ी है, टायर में हवा भी कम हो गई है शायद, ऐसा लग रहा है, जब पहले से कम हुई होगी। इस पर भी चादरें वगैरह नहीं खड़ी हुई, मुझे लगा इस पर चादरें खड़ी हो जाएंगी, चलो ये भी देखने में तो अच्छी लगेगी। अब सारा काम ही रुका पड़ा, क्या ही करना। इस गाड़ी के अंदर वाली खिड़कियाँ बन गई, फोल्डिंग खिड़की वाली है ना, ऊपर बॉक्स भी बनने की तैयारी होगी, इसका तो काम चल रहा है माथे का। उसका भी जो छोटा छोटा काम रह गया है वो ख़त्म कर रहे हैं वेल्डिंग वाला। इस पर ना लकड़ी को कसा जा रहा है, सबसे मेन चीज़ होती है कैबन की, जितने अच्छे से इसको हम नेटों को कस के रखेंगे ना तो कैबन की उतनी अच्छे से मजबूती रहेगी। और ये देखो यहाँ पे एक चीज़, ये ना हाथों से डिज़ाइन दिए जा रहे हैं, जो ऊपर लड़ें लगती हैं देखो देखने में कितनी ना खूबसूरत लगती है, उसके लिए हाथों से इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। यहाँ पे ये काट काट के ना इसको डिज़ाइन दे रहे हैं सभी लहरों को, कितनी मेहनत वाला काम है। यहाँ से कितनी लंबी लहर है वहाँ तक, कब से कर रहे हैं, और 3 हो गई हैं, अब ये तीसरी कर रहे हैं, ये वो वहाँ पे लगेंगे ये चीज़ें ऊपर जाके। अपनी गाड़ी वहाँ आएगी तो आपको बिल्कुल बारीकी से दिखाएंगे भाई पार्ट में कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप होता है। अभी हमें 2-3 गाड़ियों में काम चल रहा है, तो मैं भी मतलब उतना दिखा नहीं पा रहा हूँ। इस पर देखो इसका ना स्लाइडिंग वाली मैंने आपको दिखाई पहले, तो इस पर इसके नेट लग गए सारे देखो पीछे, क्योंकि नेटों के सारे पूरा कैबिन खड़ा है, बेल्डिंग और नेटों के सारे, बेल्डिंग तो मजबूत होगी उसको, कि नेट को एक बार खुद भी इंसान को देखना है टाइट करें। तो अगर मैं जाऊँगा तो मैं तो मिस्त्री जी को हेल्प रेस्ट पे दे दूँगा, बोलूँगा आप रहने दो मैं खुद टाइट करूँगा, क्योंकि मेरे को खुद काम करना है यार। मैं यहाँ पे तब से बैठा तंग ही हो गया, वो भाई भी उठ गया है अभी बाहर कर रहे रेस्ट, भाई पिला रहे चाय, चाय टाइम हो गया, 4 बज गए और हम चाय पीने आ गए। और देखो दो ट्रैक्टर के बच्चे राहुल भाई के साथ, अभी अनमोल भाई भी आ रहे, क्योंकि माजिद भाई आ रहे हैं, माजिद भाई को आप जानते ही हो, तो वो उनकी गाड़ी आ रही थी, कहते चाय पियेंगे साथ में। यार बिल्कुल यार मज़ा आता है यार, कोई मिलने के लिए आता है, अब पता नहीं वो पहुँचे कहाँ यार। अभी लोकेशन मैंने डाल दी, यहाँ पीते हैं चाय, फिर उनको भी रवाना करेंगे आगे। भाई माजिद भैया यार बेबी बापू सबने लिखवाया यार, सही चीज़ है, यही लिखा दो। पीते हैं चाय भाई के साथ, भाई जा रहे कानपुर आगे। माजिद भैया और भैया भाई ने लिए व्हील का बुक करवाया, हमने टेप के लिए दिए, मोमिन भाई भी साथ जा रहे हैं, 500 में 2। हाँ काट दो कान जितने इसके काटने हैं, काटते हैं अभी इसको शूटर प्रोग्राम वाले का आगे अपनी वर्कशॉप पे। तो वो भाई को कुछ काम पड़ गया, कुछ उनकी फैमिली में कोई बीमार है, तो वो हॉस्पिटल चले गए, सब तो सभी लेबर वाले घर भी जा रहे हैं। सीमेंट लाया था कुछ काम से, तो बाहर पड़ा, बारिश आने वाली, हम इसको रख देंगे अभी अंदर, उस तरह का रख देते हैं ना। अरे सीमेंट की बोरी, अनुज भाई और राहुल भाई, मैं कर रहा हूँ वीडियो शूट। अरे यार गिर गया, इसे सेट करो अच्छे से। तो यहाँ पर हो चुका है बारिश का मौसम, इसलिए ये बोरी हम रख रहे हैं अंदर, ख़राब ना हो, क्योंकि पानी लगने से सीमेंट तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो अनुज भाई और राहुल भाई रख रहे हैं उसको अंदर। अब बची हुई यहाँ पर 2 बोरी 3 बोरी हमने अंदर रख दी है। तो बंदे आ चुके, ये हमने स्पेशल जम्मू से मंगवाए लेबर सीमेंट की बोरी उठाने के लिए, बस लास्ट की एक बोरी बची है, बस फिर अंदर रख देंगे। कितना टाइम लगा? 5-10 मिनट। अनुज भाई की एक पे पूरा लोड आ चुका है वहां पे। ठीक है काम मेरा? हाँ जी ठीक है, बस मेरा वीडियो बना वाला काम है बस। तो यहाँ पर बोरी हमने अंदर रख दी है, मैंने नहीं, राहुल भाई ने और अनुज भाई ने, हो चुकी है 5 बोरी थी। तो चलिए अब धोते हाथ मुंह, राहुल भाई को आ चुका है यहाँ पर पसीना। तो रात को भाई थोड़ा हम सिमट गया रखा, भाई बारिश आ गई, हम सो गए थे, तो उसी ब्लॉग की कर रहे हैं सुबह एंड। होप आपको ब्लॉग सही लगा होगा, मिलते हैं कैंटर ब्लॉग पर।